दिल्ली से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पेट्रोल पर वैट घटाया गया, अब दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होगा, वैट घटा दिया गया है पेट्रोल पर। दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए सस्ता हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से लगातार मांग हो रही थी, आम जनता बोल रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं, तो पेट्रोल पर वैट कम करने के बाद अब 8 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल दिल्ली में। जी हाँ, पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं, वैट घटाया गया है, जिस वजह से 8 रुपए अब सस्ता हो गया है पेट्रोल दिल्ली से। ये बड़ी खबर, आम जनता को राहत यहाँ पर मिली है पेट्रोल को लेकर के, पेट्रोल के दामों को लेकर के। जिस तरीके से आम जनता की मांग रही है, और सरकार ने भी ये बोला था कि हम इस पर जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे, और इसी को देखते हुए अब दिल्ली में पेट्रोल पर वैट घटाया गया है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल के दाम में 8 रुपए की कमी देखी जा रही है। लोगों को राहत मिली है, 8 रुपए कम देना होगा अब पेट्रोल के दाम में। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पेट्रोल करीब 8 रुपए सस्ता हुआ है, एक बड़ा फैसला यहां पर पेट्रोल के दामों को लेकर के। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पर वैट घटाया गया है, जिस वजह से अब 8 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल, 8 रुपए अब कम देना होगा लोगों की जेब से। जो पेट्रोल के दाम निकल रहे थे, जो उन्हें देना पड़ रहा था, अब उसमें 8 रुपए कम वो पे करेंगे पेट्रोल के लिए। प्रति लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हुआ है दिल्ली में, दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैट घटाने की वजह से सस्ता हुआ है पेट्रोल, अब 8 रुपए कम देना होगा प्रति लीटर पेट्रोल के लिए, और लोगों को इससे राहत मिलती नजर आ रही है, पेट्रोल के दामों से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि पेट्रोल के दाम में कमी की गई है, वैट घटाया गया है, तो जाहिर सी बात है वैट घटने से पेट्रोल के दाम में भी गिरावट देखी जा रही है। 8 रुपए सस्ता हो गया है अब पेट्रोल, प्रति लीटर 8 रुपए कम देना होगा ग्राहकों को पेट्रोल के दामों पर। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां 8 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, दिल्ली वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार वो कहा जा रहा था, लोगों की डिमांड थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां भी हो रही थी, क्योंकि जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, बाइक है, स्कूटी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाइक और स्कूटी इस्तेमाल करते हैं, उनका भी यही कहना था कि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, जेब उनकी ढीली हो रही है, लेकिन अब 8 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल। तो भावना अरोड़ा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। भावना, चूंकि अगर दिल्ली की बात करें पेट्रोल के दामों को लेकर के, जिस तरीके से आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, यहाँ पर थोड़ी राहत मिलती हुई देखिए यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, सबसे अच्छी खबर यही है आम जनता के लिए कि किस तरीके से जो है पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना काल चल रहा था, लोगों की जेबें खाली हो रही थी, लोगों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में लोग ज्यादातर सार्वजनिक बसों से जाना पसंद कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को जो सौगात दी है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अब इस मामले को लेकर बेहद खुश नजर आएगी। ऐसे में देखा जाए तो पेट्रोल के दामों पर जो 8 रुपए की घटोतरी की गई है, कहीं ना कहीं इसका फायदा दिल्ली सरकार को हर तरीके से होगा, क्योंकि कई जगह चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक बड़ी वजह यह भी है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या पंजाब, तमाम जगहों पर दिल्ली की जो सरकार है वो अपने अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर पहुंच रही है और अलग अलग वादे लेकर पहुंच रही है, और इसी वादों के बीच जो वादा उन्होंने दिल्ली में जनता से किया था कि हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी, इसी कड़ी में एक जो सबसे बड़ी खबर अभी हमारे पास आई है वो यही है कि पेट्रोल के दामों को कम कर दिया गया है, और पूरी जो कीमत बताई जा रही है वो 8 रुपए, यानी कि जब भी उछाल आता है पेट्रोल या डीजल के दामों में तो अक्सर कुछ पैसों का जो है उछाल होता है, और ऐसे में लगातार जो उछाल है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी कड़ी में, इसी बीच दिल्ली वालों के लिए, चाहे वो 2 पहिया वाहन चलाते हो या फिर 4 पहिए की गाड़ी, कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा दिल्ली सरकार सीधे तौर पे अपनी आम जनता को देते हुए नजर आ रही है। यही वजह है कि वैट जो है वो कम कर दिया गया और 8 रुपए की जो कीमत है वो डाउन कर दी गई है। स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी राहत होगी, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में बाइक और स्कूटी से सफर करने वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको कितनी राहत मिलती हुई नजर आ रही है।
ज्यादातर अगर लोगों की बात की जाए तो दिल्ली में जो एक बड़ा एरिया आता है वो एजुकेशनल एरिया होता है, चाहे हम मुखर्जी नगर की बात करें, करोलबाग के एरिए की बात करें, राजेंद्र प्लेस की बात करें, तमाम जगहों पे जो है स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। और इसी कड़ी में जो है उन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी सौगात दिल्ली सरकार की तरफ से आई है, यानी कि अगर आप स्कूटी या पेट्रोल को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में रहते हैं कि पेट्रोल की कीमत ज्यादा है कि स्कूटी में भरवाया पेट्रोल जाए या नहीं, लेकिन अब लगता है कि बच्चों को जो है कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हर एक लीटर पे जब 8 रुपए की कमी होती है और गाड़ी में मिनिमम जब लोग 5 लीटर का पेट्रोल भी डलवाएंगे, यानी कि सीधे तौर पे वो है 50 रुपए का फायदा उन्हें यहाँ पर मिलता दिखेगा। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को तो राहत मिली है, लेकिन उन लोगों को भी राहत मिली है जो दफ्तर जाते हैं, चाहे वो अपने कार से ही क्यों ना जा रहे हों, चाहे बाइक से जा रहे हों, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपनी बाइक या स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो ये तमाम हर वर्ग को राहत मिल रही है जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से आता है, क्योंकि ऐसे में समस्या होती है कि आप अपनी जेब की आमदनी के अनुसार ही खर्चा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर गाड़ी में 7 से 8 लीटर पेट्रोल भी भरवाना होगा तो सीधे तौर पर जो बचत है वो 60 से 70 रुपए की होगी, यानी कि गरीब से लेकर मिडिल क्लास वर्ग के लिए फायदा। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, क्या डीजल के दाम भी कम होंगे, क्योंकि ज्यादातर डीजल का जो इस्तेमाल है वो बड़ी बड़ी ट्रक या फिर गाड़ियों में किया जाता है, जिसमें जिसका एक बड़ा भाग किसान भी बनते हैं। बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना जुड़ी हुई थी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि पेट्रोल के दामों में कमी की गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब डीजल के दामों में भी कमी की जाए ताकि जो डीजल वाली गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी राहत मिल सके।